नितेश कुमार इन्वेस्ट फॉर एवर को और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें आपके लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करने से केवल मोटिवेशन बढ़ता है ओके okay, कि इस तरीके की वीडियो हम बना सके और यहाँ पर अगर देखें तो देखिए आरती सर्फेक्टेंट कितने परसेंट ऊपर बीस परसेंट ऊपर के पी एनर्जी अपर सर्किट ओके okay, और दूसरे स्टॉक्स एशियन के छह परसेंट तो यही हम आपको यहाँ पर बताते रहते हैं तो जाके वीडियोस को देखिए समझिए सीखिए और हमसे कांटेक्ट करना है ये नंबर पे कांटेक्ट करिए ओके आपको किसी तरीके के स्टॉक्स में प्रॉब्लम आ रही है ओके एज वेल एज पोर्टफोलियो क्रिएट कराना है रिव्यू कराना है जो भी कराना है जाके आप हमें यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं आप ट्विटर पे हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं सबसे पहले हम जिस पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड बात करने वाले हैं ओके okay, उसका नाम क्या है उसका नाम है प्रदीप फॉस्फेट अभी बातें चल रही है बहुत ज्यादा किससे रिलेटेड यहाँ पर बातें चल रही है फर्टिलाइजर से रिलेटेड ओके okay, और इस वजह से प्रदीप फॉस्पेट का काम क्या है प्रदीप फॉस्पेट एक फर्टिलाइजर कंपनी है यहाँ पर आप देखेंगे एज वेल एज अभी आती हुई दिखाई दी है ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ इसे यहाँ पर सत्ताईस मई दो को आई थी ओके लगभग तैतालीस रुपए पे साठ रुपए पे चल रही है आज लगभग दस परसेंट ग्यारह परसेंट का यहाँ पर अच्छा खासा जंप भी देखा गया है तो किस लेवल पे लेना चाहिए वो हम टेक्निकल देखेंगे तो हम बातें करेंगे मार्केट कैप की बात करें स्मॉल कैप कंपनी है ओके okay, बट याद रखिए ऐसी कंपनी कब यहाँ पर मल्टीपाइगर रिटर्न दे जाती है पता भी नहीं चलेगा फेस वैल्यू 10 की है इंट्रेंसिक वैल्यू 95 के आसपास की है 12 का पी है इंडस्ट्री का पी 11 का है तो कहीं कहीं ना कहीं ठीक ठाक यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है आर ओ बेहतरीन है बट डेट ज्यादा है एक का डेट है ये थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है इसके अलावा प्रॉफिट की बात करें प्रॉफिट अच्छा खासा है पिछले पांच साल में आज ही ऑल टाइम गिरता हुआ नजर आया फर्टिलाइजर की प्राइस बढ़ते हुए नजर आ, है। आ रहे है। हैं है। तो सी बात है इंडिया की तरफ सब लोग यहाँ पर निगाय बना के जब देखे रहे हैं एज वेल एज यहाँ पर बात करें मैनुफेक्चर ऑफ नॉन यूरिया फर्टिलाइजर ये बनाते हैं ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स वेराइटी ऑफ फर्टिलाइजर सच एस डी डी ए पी थ्री ग्रेडेड ऑफ नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड द पोटासियम ये बनाते हुए कंपनी नजर आती हुई दिखाई देती है हिस्ट्री की बात करें तो काफी पुरानी ये कंपनी 1981 से इनकॉपरेटिव हुई थी अलग अलग इनके प्लांट्स भी है एज वेल एज लीड फर्टिलाइजर कंपनी है यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग uh, फैसिलिटीज आप देख सकते हैं कहाँ पर है कैपेक्स की बात करें कंपनी यहाँ पर मे दो हजार बाईस में यहाँ परिटीज डीएपी एंड एनपी के प्रोडक्शन प्लांट वन फ्रॉम एट तो ये कैपेसिटी बढ़ती हुई नजर आई है विच इज एक्सपेक्टेड विल बी कम्प्लीटी मतलब यहाँ बात करें ये बढ़ती हुई नजर आएगी और मे में, में यहाँ पर ये यह खत्म हो चुकी है ओके okay, ये हो चुका है पुराना आर्टिकल है थोड़ा सा तो वही सब चीज से रिलेटेड यहाँ पर दे रखा है कंपनी की बात करें तो कंपनी काफी यहां पर अट्रैक्टिव नजर आती है ऑन द बेसिस ऑफ वॉट तो यहाँ पर देखिए इसके रिजल्ट यहां पर कंपनी के रिजल्ट लगातार बढ़ते हुए नजर आए हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखेंगे वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आया है ओके एज वेल एज यहाँ पर देखेंगे कंपनी के रिलेटेड और भी कुछ तो कंपनी का जो इस बार का मार्जिन uh, था वो छह परसेंट के आसपास था जो कि ईयरली बेसिस पर थोड़ा सा कम था बट प्रॉफिट देखिए कंपनी का प्रॉफिट काफी अच्छा यहाँ पर दिखाई देता था इयरली बेसिस पे बात करें कंपनी का ईयरली बेसिस पे परफॉर्मेंस अच्छा है नेट प्रॉफिट देखिए नेट प्रॉफिट यहाँ पर अच्छा खासा बढ़ता

इन्वेस्टमेंट कर रखा है कंपनी ने कैश की बात करें कैश भी अच्छा खासा है कंपनी के पास तो काफी सी चीजें अच्छी भी यहाँ पर नजर आती है प्रोमोटर्स की बात करें फिफ्टी सिक्स परसेंट के शेयर है एफ भी है डी भी है पब्लिक की बात करें पंद्रह परसेंट और डी में देखेंगे तो जितने भी बड़े म्यूचुअल फंड है एस बी आई एल आई सी ओके आईसीआईसीआई डीएसपी मिराज ये सारे के सारे यहाँ पर इसके क्या है शेयर होल्डर्स है तो यहाँ पर बस केवल थोड़े से शेयर ही मार्केट में लिस्ट है बाकी शेयर सब बड़े बड़े लोगों ने ले रखे हैं तो आपको इसके रिलेटेड थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए प्रदीप फॉस्फेट की अगर हम बात करें एक बार इसका चार्ट देख लेते हैं और यहाँ पर देख लेते कंपनी एग्जैक्टली क्या करने जा रही है तो यहाँ पर देखिए शेयर ने एक आ, आ, अच्छा खासा हाई बनाया फिर उसके बाद गिरता हुआ नजर आया था ओके और उसके बाद यहाँ पर देखिए तो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट देता हुआ ये नजर आ रहा है तो यहाँ पर देखिए जो एक विद हैंडल पैटर्न बन रहा था उसके हिसाब से जो टारगेट है ओके लगभग 62.15 परसेंट के यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं इसके बाद शायद अगर थोड़ा सा नीचे आए ये शेयर याद रखिए फिफ्टी फाइव के आसपास आए तो लेने की कोशिश करिएगा क्योंकि उसके बाद चीजें भागती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर क्या बन रहा है यहाँ पर हायर हाइस बनता हुआ नजर आ रहा है ओके ये हाई बनाया फिर ये आई बनाया ओके यहाँ पर आके ये आई बनाएगा तो और चीजें ऊपर जाती हुई नजर आएगी तो इस शेयर की तरफ ध्यान दीजिए ये सौ रुपए वाला वो शेयर है जो आपको शायद मल्टीबैगर रिटर्न्स बना के यहाँ पर दे सकता है तो इस शेयर की तरफ ध्यान देना है इसके अलावा दूसरा हम शेयर की बात करेंगे जो की अभी हम आ, आया था और हमने खरीदा भी था मदरसन सोमी वायरिंग इससे रिलेटेड तो वायरिंग का बिजनेस याद रखिए काफी ग्रो अप हो रहा है और ये एक ऐसा शेयर है ओके जो मदरसन सोमी का एक ग्रुप का शेयर है बदल सोमी एक ऐसा शेयर है जो उसने मल्टी बैगर रिटर्न दिए है हर हर एक दो साल में तीन साल में बोनस देता हुआ नजर आता है उसी से अलग होके ये पर्टिकुलर कंपनी बनती हुई दिखाई दी है और इसका वायरिंग का बिजनेस जो कि ऑटोमोबाइल्स में यूज होता हुआ दिखाई देता है काफी बेहतरीन यहाँ पर यह कंपनी नजर आती है तो इस पर्टिकुलर शेयर की तरफ भी आपको क्या करना है ध्यान देना है ओके और यहाँ पर चीजें आपको उसी तरीके से समझ में भी आएगी यहाँ पर कुछ डेटा भी देने रखा जस्ट बिकॉज अभी लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया 87 का हाई बनाया है लगभग 80 के आसपास का शेयर चल रहा है आरओसी आरओई 50 प्लस है जो कि काफी बेहतरीन है डेट की बात करें 25% के आसपास का डेट है ओके मिड कैप कंपनी है इसके अलावा देखते हैं तो इंडस्ट्री का पी20 का है ₹54 देने को तैयार है मतलब 54 के पी पे यहाँ पर ये शेयर चलता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर मैक्सिमम चार्ट की बात कर रहे हैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखिए पहले ऊपर गया फिर एक गिरावट हुई थी हमने बार बार कहा था खरीदी है फिर उसके बाद भाग के यहाँ पर केवल कंसोलिडेशन हो रहा है और किसी भी टाइम ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा जब चार्ट में आएंगे तब बात करेंगे इसके बाद करें सेल्स की तो कंपनी की सेल्स देखिए लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है हाईएस्ट एवर सेल्स हाँ और प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है ओके यहाँ पर दिसंबर को छोड़ दिया जाए तो हाईएस्ट ए प्रॉफिट दिखाई दिखा रहा है इसे भी छोड़ दिया जाए मतलब कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर परफॉर्मेंस दे रही है और ये कम क्यों है जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपेंसेस कंपनी के जो एक्सपेंसेस है यहाँ पर देखिए मेटेरियल कॉस्ट बढ़ता हुआ नजर आया है इस वजह से मार्जिन की बात करें बारह परसेंट का मार्जिन है जो कि दस परसेंट था एक साल पहले जो कि पॉजिटिव बात है ईयरली बेसिस पे सेल्स देखिए लगभग चार हजार करोड़ की सत्तावन सौ करोड़ की सेल्स में तब्दील होगी नेट प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जस्ट बिकॉज ज्यादा है स्टिल बट यहाँ पर देखा जाए रिजर्व कंपनी के जो की आप देख सकते हैं आठ करोड़ के आसपास के रिजर्व बोरइंग की बात करें टू करोड़ के आसपास की बोरइंग बत्तीस करोड़ रुपए वर्किंग पोगे इसमें ओके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है कैश की बात करें लगभग तीन सौ करोड़ के आसपास का कैश भी पड़ा हुआ है तो कंपनी हर तरीके से अच्छी है प्रमोटर्स की होल्डिंग होल्डिंग एज इट इज है uh, ने होल्डिंग थोड़ी सी कम करी है 14 से एट कर लिया है डी आईज ने वो होल्डिंग खरीद लिया थर्टीन से ट्वेंटी uh, हो गई है और कुछ नाम आई सी आई सी आई मिराज जो कि लास्ट में भी था आईसीआई प्रू यू टी आई आई सी आई से प्रोडेंशियल एस बी आई ये सभी म्यूचुअल uh, फंड ने इसे शेयर ले रखे हैं

तो अब शेयर बार बार भागता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर देखिए एक ट्रेंड लाइन थी उसी को टच करके नीचे आया ओके और यहाँ से कभी भी यहाँ पर निकल के चीजें अच्छी नजर आती हुई दिखाई देगी और यहाँ पर एक फ्लैग बनता हुआ नजर आ रहा है फ्लैग का मतलब क्या होता है फ्लैग का मतलब ये है कि अगर इसका लो थोड़ा ये फ्लैग से नीचे आया तो गिरावट हो जाएगी बट अगर ये फ्लैग से ऊपर जाके बंद हो जाता है और तेजी हो तो फिर यहाँ पर एक तेजी का भी संकेत आता हुआ दिखाई देगा ये देखिए ये पूरा एक फ्लैग बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो इसी तरीके से चीजें काम करती है इसी तरीके से चीजें अः यहाँ पर देखिए केवल कंसोलिडेशन है और कुछ नहीं है चीजें यहाँ पर भागती हुई कब कब में नजर आ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगी एज वेल एज पर अगर हम चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर शोल्डर बनाया इसने हेड बनाया ये शोल्डर तो छोटा सा यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है इसके हिसाब से अगर हम टारगेट डिसाइड करें तो यहाँ पर टारगेट भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि एग्जेक्टली क्या टारगेट आ रहे हैं तो यहाँ पर वही थोड़ा सा ऊपर बट ये टर्म का गेम है इसे अगर टर्म के लिए आप रख लेंगे ना ये और एक रिजल्ट इससे मिलते हुए नजर आएंगे जो कि आपको यहाँ पर माला माल बनाते हुए नजर आएंगे तो दोनों सौ रुपए से नीचे के मदरसन सोमी एज एज प्रदीप फॉस्टफिट ओके इन दोनों की तरफ नजरें बनानी है दोनों यहाँ पर बेहतरीन नजर आते हैं और बाइंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो मिलती सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस